आपके पति के द्वारा पूरी दुनिया में पूजन पूजा किया जा रहा है, कैसा लग रहा है, कितना आपको खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। ये तो एक पुण्य का काम है और पुण्य हमको एक दर्शन मिला है, वही पुण्य है। भगवान ने आज हमको बुलवाया उनके जन्मदिवस पर, ऐसा लग रहा है कि इतना दिन का इंतजार आज सफल हो गया है। आपकी रामनवमी आज कैसी रही? वो अद्भुत रही, क्योंकि सूर्य तिलक देखा हमने, राम जी को देखा हमने। हर रोज जब राम जी को देखते हैं अलग अलग दिखते हैं, आज तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य जैसे दिख रहे थे। कैसा लगता जब आपको लगता कि हमारे पति के द्वारा बनाया गया है, भगवान का स्वरूप है, तो उस समय आपको कैसा लगता जब देश दुनिया वाले आपके पति को पूछते हैं, सेल्फी खींचते हैं, उनका स्वागत करते हैं? खुशी होती है और ये भी खुशी होती है कि इनके हाथों से बनाने का अवसर मिला है और बन गया रामलला जी। बहुत एक इनके ऊपर भगवान का कृपा ही होगा कि ऐसा अद्भुत काम करने मिला है। और ये क्या है, हमको तो जीवन सफल हो गया। क्या मानती है, हर पुरुष के बढ़ते में एक महिला का हाथ होता है, कैसे देखती है? दोनों का हाथ होता है। अरुण के पीछे किसका हाथ है? उनका श्रम का, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन है उनका है। और वो जो भी काम करते हैं 100% देते हैं, जो भी सीखते हैं पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सीखते हैं। कुछ एक काम करते हैं ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिटेल भी बहुत मायने रखते हैं और करते हैं। ऐसा कि ये काम मिला है करके छोड़ देना, वैसे नहीं करते, पूरी श्रद्धा से करते हैं, इसलिए वो सफल हुए हैं। भगवान राम लला का मूर्ति बनाते हैं, आप लोगों से बात भी नहीं हो पा रही थी, मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी, उस समय कैसा कर आप लोगों को लगता था, क्या सोचती थी? मुश्किल था, पर ऐसा भी था कि एक ऐसा काम मिला है जो जिसका इतिहास 500 वर्ष का इतिहास भी है और सारे दुनिया के लोगों का इमोशंस भी जुड़ा हुआ था। तो पूरा जस्टिस करके ऐसे इस काम को निभाना है, वही मन में था। और उन्होंने सफल तरीके से किया है, सबके दिलों में जगह बनाया है और आज देखे तो सब लोग उनको रिकग्नाइज करते हैं और प्यार देते हैं। बहुत खुशी होती है और आंख भी भर आता है कि इतना जुड़ गए हैं सबसे, इमोशनली कनेक्ट हो गया है, खुशी होता है। आप कैसे अरुण योगीराज जी को कैसे देखते हैं? पति की तरह ही देखते हैं। और पति के स्वरूप में कैसे देखते हैं, किसका आशीर्वाद रहता है उनके ऊपर, किसकी उनके ऊपर रहती है, भगवान राम की श्रद्धा के अनुसार? हाँ, इनको तो भगवान का आशीर्वाद बहुत है और पूर्वजों का भी आशीर्वाद है, क्योंकि उनकी कला ट्रांसफर होके इनके पास आ गया है। तो ये भी है कि कंटिन्यू होना चाहिए ये प्रताप, सबको इनका कला सीखने के लिए मिले, वही आशा करती हूँ मैं।